चांदनी चौक शिवाजी नगर को खाली नहीं है, ये पूरा बैंगलोर को है, ये हमें पहले समझना है। इधर से आवाज उठे तो सब बैंगलोर हर तरफ जाता है, जाता नहीं जाता तो उसे ऐसा ही रखना, इसे बदलना नहीं। आप लोग खाली शिवाजी नगर तक नहीं रखना, क्योंकि इधर से जब भी कुछ मैसेज जाता है इंशाल्लाह 100% होता है। ये मेरा मैदान है, इधर से ही मैं खेल स्टार्ट किया था, ये मैदान मेरा है। थोड़े लोग तब मुझे छोड़े नहीं सिक्सर मारने को, लेकिन अभी किधर से भी सिक्सर हो सकता है। तो हमें आज डैश पर हमारे इंचार्ज मेरा दोस्त बड़े भाई सुरजेवाला जी है, और हमारे जमीर अहमद साहब है, मंसूर अली साहब है, सलीम अहमद, रिजवान अरशद, तमाम दोस्त लोग हैं स्टेज पर, जब्बार भाई, महरोज खान। मैं ज्यादा टाइम तो सबके नाम लेने पर नहीं लूंगा, मकसद इतना ही है, दो दिन में वोटिंग है, वोटिंग का बरसात भी इधर से ही शुरू होना है। आप लोग जितना ज्यादा वोट डालेंगे उतना ही वोट ज्यादा हर जगह पे पड़ेगा, लेकिन वोट क्यों डालना है, किसको देना है, ये सब फैसला ऑलरेडी हो गया, हम लोग इंतजार डेट का है। इंशाअल्लाह मंसूर इस बार जीत रहे हैं, सेंट्रल पार्लियामेंट हमें जीत रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हम सबको मालूम है। कांग्रेस गवर्नमेंट जो भी गारंटी 10 साल से बराबर सबको मिल रहा है, मिल रहा है नहीं मिल रहा है, 2000 रुपए बस में फ्री, करंट फ्री, सब कुछ, वो तो हमें सबको मालूम भी है, लेकिन बीजेपी वालों को समझाना जरूरी है। 5 साल हुकूमत था इधर, कुछ नहीं करे, बस भी था, केएसआरटीसी भी था, पावर भी था, करंट भी था, फिर भी हमें नहीं दिए। वो दिए क्या, हमारे बहनों को बस में जाने को दिया नहीं दिया, करंट फ्री दिया नहीं दिया, कभी नहीं देते, क्योंकि वो लोग गरीबों को कुछ नहीं करते। हमारा कोशिश ये रहना है सेंट्रल में भी कांग्रेस का हुकूमत आना है, तो इधर से अगर आवाज उठेगा तो इंशाअल्लाह सेंट्रल में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी, तो गारंटी डबल होगा, 2000 का गारंटी 24,000 मिलते हैं, तो 1,00,000 का भी गारंटी है, चाहिए नहीं चाहिए हमें, एक साल में 1,00,000 रुपए का गारंटी आपको नहीं चाहिए, चाहिए बोलिए, जोर से बोलिए ना, जोरक मतड़ी याके शब्द बंद रहने, एलू गोतो मतड़े यारगू ऐनो गोत, नम प्रयत्न यहां मटकु केंद्र कांग्रेस सरकार बरबू कल 10 वर्ष ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಆಳಿದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಒಬೈದುಲ್ಲಾ ಶರೀಫ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು ಚಂಬು ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ನಿಜ 15 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರೋ ಚಂಬು ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದಂತ ರಹಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವೋಟ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಏನು ಬರಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಚಂಬು ಕೇವಲ ಚಂಬಲ್ಲ ತೂತಿರೋ ಚಂಬು ಖಾಲಿ ಇರೋ ಚಂಬನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಏನು ಸಿಗಬಾರದು ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದುಡ್ಡು ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನೋ ಅವರ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇಳಿದಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಕುವಂತ ಓಟು ಇದನ್ನ ನೀವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಮೇಕ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ
Once you decide here, it spreads. Chowk is a chowk for the whole Bangalore city. We need to strengthen it. We need to stand together.